नमस्कार आदाब, न्यूज 5 एन जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। राजधानी में एक 7 वर्षीय बालक का अपहरण हो गया था, जिसे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सकुशल बरामद कर लिया। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र में 7 अगस्त को 7 वर्षीय बालक का अपहरण कोकर चुना भट्टा से किया गया था। अपहरणकर्ता 2 अज्ञात व्यक्तियों ने बालक को स्कूल से घर लौटते समय घर के पास से अगवा कर लिया था। एसपी के निर्देश पर डीएसपी सदर के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम गठित की गई। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपहृत बालक को सकुशल बरामद किया। घटना को अंजाम देने वालों दोनों अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए अपराधियों की पहचान आयुष कुमार और अनुज कुमार के रूप में की गई। उनके पास से डोडल साइन मोटरसाइकिल, 2 हेलमेट, पिट्ठू बैग, फिरौती के रूप में वसूला गया 45,000 रुपये और 3 एंड्रॉइड मोबाइल मिला है। अब अगर अपहरण के पीछे की कहानी पर जाए तो एक दिन के सफर में महिला रैपिडो वाले को अपना दिल दे बैठी। पहले ही मुलाकात में रैपिडो वाला को पता चल गया कि महिला का अपने पति से बहुत बढ़िया संबंध नहीं है। उसने महिला से उसका मोबाइल नंबर हासिल कर लिया। इसके बाद दोनों मोबाइल पर बातें करने लगे। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। इसके बाद महिला ने अपने पति को सबक सिखाने की खातिर रैपिडो वाले आयुष कुमार से सौदेबाजी कर ली। तय सौदे के अनुसार जब महिला ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो आयुष ने अपने एक दोस्त अनुज कुमार के साथ मिलकर महिला के 7 साल के बच्चे को किडनैप कर लिया। वही बतौर फिरौती की डिमांड कर दी गई। ये मामला जब राज्य पुलिस कप्तान चंदन कुमार सिन्हा तक पहुंचा तो उन्होंने सदर डीएसपी की देखरेख में एक स्पेशल टीम बनाई। गठित टीम को टास्क मिला कि किसी भी हालत में अपहरित बच्चे को खोज निकालना है। ये बच्चा रांची के सुरेंद्रनाथ स्कूल में पहली कक्षा में पढ़ता था। गठित टीम के नए सीसीटीवी फुटेज के सहारे बाइक का पता कर लिया। बाइक मालिक के नाम और ठिकाने पुलिस के पास थे। पुलिस उसकी खोज में जुट गई। अचानक पुलिस को पता चला कि बच्चा सही सलामत मिल गया है। पुलिस को पता चला कि अपहरित बच्चे की मां ने बतौर फिरौती 50,000 रुपये देकर किडनैपरों से अपना बच्चा हासिल कर लिया है। तब महिला से पूछने पर अपहरण के पीछे छुपी सारी कहानी सामने आ गई। कल एक महिला अचानक काफ़ी बदहवास आई मेरे ऑफिस में और उसने, मैं नहीं था, मैं माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में था, उसने बताया कि उसके बेटे का किडनैपिंग हो गया। पूछा गया कैसे जानी तो बताई कि वो जो है इसमें SS सुरेंद्रनाथ स्कूल में पढ़ता है। और जब लौटा तो नहीं, मैं वापस जब पहुंचा तो वो देखी बगल के सीसीटीवी फुटेज में, देखी कि कोई बाइक पर से उठा के ले गया है। उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने अपना काम शुरू किया और काफ़ी मशक्कत हुई। जिले की पूरी टीम लग गई, हम लोग सारा सीसीटीवी फुटेज और सारा बॉर्डर सीलिंग किया गया ताकि ये बाहर ना निकल पाए। और जब हम लोग लगभग अभियुक्त के बाइक को आइडेंटिफाई कर लिए और उसके लोकेशन और उसके एड्रेस डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस से उसका सारा डिटेल लेके जब हम लोग आगे काम करने लगे, इस बीच में पता चला कि बच्चा वापस मिल गया। ये बड़ा ही हैरानी वाला था कि जब महिला से पूछा गया तो वो कुछ गोल मटोल जवाब देने लगी। फिर ज्ञात हुआ कि उससे 50,000 रुपया देकर अभियुक्तों ने उसे छोड़ा है। इस बीच में अभियुक्तों ने उसे कॉन्टैक्ट भी किया और वो महिला बिना पुलिस को बताए 50,000 रुपया देके उसको बच्चे को ले भी। फिर हम लोग जो है अभियुक्त को पकड़ने में अपने इन्वेस्टिगेशन के आधार पर सफल हुआ। जब अभियुक्त से पकड़ा हुआ तो 46,000 रुपया रिकवर भी हुआ। एक के पास 25,000, एक के पास 21,000। तो यह बात प्रमाणित हुई कि पैसा दिया गया है। जो अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो जो उनसे किया गया कि भाई आप ऐसा कैसे किए, तो इसका कहना था कि जो महिला थी ये हमसे पूर्व से ये रैपिडो का ड्राइवर है। जो एक अभियुक्त है वो रैपिडो का ड्राइवर है, दूसरा अभियुक्त जो है वो स्विगी का डिलीवरी बॉय। तो जो मुख्य अभियुक्त है आयुष, उसने बताया कि उस महिला को उसने एक बार रैपिडो से ड्रॉप किया था और उसके बाद से उनकी फ्रेंडशिप हो गई थी और महिला का पति से संबंध अच्छा नहीं था। महिला उसको ट्रैक करना चाहती थी और इस ट्रैक करने और संभवतः अपने पति पर छोटा हमला करवाने के लिए से पैसे की बात की एडवांस में। बाद में महिला ने कहा कि नहीं, आप काम कर दिए तब पैसा देंगे, जिससे ये नाराज हो गया और इसने बच्चे को किडनैप किया। और किडनैप करने के बाद एक घंटे बाद इसने फ़ोन किया महिला से कि मैं ही उठाया हूँ पैसा ले। महिला बिना बताए पुलिस उसने पैसा दिया और ये मतलब वो बच्चे को ले ली। पर पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को पकड़ लिया है और जो व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री है इसे भी लगता है कि महिला से उसका पूर्व से परिचय था और उसने उस पैसे को निकालने के लिए महिला पर दबाव डालने के लिए उसने ये किडनैपिंग किया था। ये किडनैपिंग फॉर रैनशम है और इसमें जो है 50,000 लेके इसने बच्चे को छोड़ा था। दोनों अभियुक्त पकड़े गए हैं और हम लोग जो है बाकी जो एविडेंस है कि जिस हेलमेट को पहनकर चल रहा था, जिस बाइक से इसने उठाया था, ये सारा कुछ हम लोग बराबर करते हैं। साजिश कौन कर रचा था सर, इसके पीछे कौन थी, महिला थी या फिर उसके महिला के पति? महिला और पति इस अपहरण में कोई साजिश नहीं। महिला एक थी कि भाई मेरे पति पर तुम जो है या तो उसकी निगरानी रखोगे, दूसरी औरत से मिलता है, और या तो फिर उसके तुम मारपीट करो। इसके लिए उसने पैसा कमिट किया था, जो पैसा जब नहीं दी तो इसने गुस्से में आके अपहरण किया।
नहीं, ये रैपिडो बाइक वाला है। तो महिला का काम कर चुका थी या बिना काम नहीं, नहीं, नहीं काम किया उस काम के लिए ही जब पैसा वो नहीं दी तब इसने गुस्से में उसको किडनैप किया। किडनैपिंग में किसी का षड्यंत्र नहीं था, किडनैपिंग बिल्कुल ही क्रिमिनल किडनैपिंग। ये पैसा फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है महिला का? 50,000 देना एडवांस बताता है कि अच्छी है। कबाड़ी का काम करती है महिला। बहुत शॉर्ट पीरियड में 50,000 रुपया रिकवर उपलब्ध करा देना। हाँ, और उतना ही शॉर्ट। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और न ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।